हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इकोशाला। अवर मिशन टू एजुकेट द नेशन। इकोशाला इज एसोसिएटेड विद वीआर एकेडमी, जो कल्याण ईस्ट काटेमांडवली नाका में है, जहाँ पे हम लोग ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियोस में फाइनल अकाउंट के मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे, जो खास करके 11th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम में आपको आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एडजस्टमेंट मैं ट्राई करूंगा कि एक एक एडजस्टमेंट में आपको दो मिनट में सिखा के कंप्लीट करो लॉजिकली, इस तरह से कि आपके दिमाग में परमानेंटली वो फिट हो जाए। फ्रेंड्स, आज का डेट में दो मिनट में तो मैगी भी नहीं बनता है, बट फिर भी एडजस्टमेंट सिखाने का मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एंड मुझे पूरा गारंटी है कि आपको ये एडजस्टमेंट्स अच्छी तरह से समझेगा, एंड आने वाले हर साल में जब तक आप कॉमर्स में हो, फाइनल अकाउंट आते रहेगा। फाइनल अकाउंट आया तो ये एडजस्टमेंट्स भी आते रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मीन्स व्हाट? स्टॉक मीन्स अनयूज्ड और अनसोल्ड गुड्स आर कॉल्ड एज स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहां पे मान के चलो कि ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस कहां पे रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड में। मान के चलो हमने 100 मोबाइल क्या किया, परचेस किया। एंड सेल्स कहां पे रिकॉर्ड होता है? सेल्स रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड में। मान के चलो हमने 90 मोबाइल्स क्या किया, सेल किया। तो फ्रेंड्स, बचा कितना मोबाइल? देखो, आप ऑब्जर्व करोगे, बैलेंस निकालोगे, तो 100 में से 90 सेल किया तो बचा 10 मोबाइल्स, एंड देन दैट बचा हुआ, यानी कि अनसोल्ड गुड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आ रहा है? क्रेडिट साइड में। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड बचा हुआ मोबाइल, बट ऑब्वियस हम लोग बेचने वाले नहीं, फेंकने वाले नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर उसको बेच सकते हैं। तो आज का डेट में वो हमारे लिए क्या बन रहा है? आज का डेट में वो हमारे लिए बन रहा है एसेट्स। इसलिए सेकेंड इफेक्ट आएगा आपका बैलेंस शीट एसेट्स साइड। थैंक यू वेरी मच।